नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैल्शियम की जो कमी हमारे पौधों में हो रही है, खास करके फ्रूट की जो इनिशियल ग्रोथ होती है, इनिशियल जो पौधे फ्रूटिंग की स्टेज पे आते हैं उस टाइम पे, तो कैल्शियम हमें कैसे देना है। कैल्शियम देने के लिए हम अंडे के छिलकों का यूज करेंगे, जो कि बेस्ट होता है कैल्शियम की कमी को पूरी करने के लिए। तो कैल्शियम के लिए जो हमारे जो खास करके हमें पौधे देने हैं, मिर्च हुआ, बैंगन हुआ, या टमाटर हुआ, या और भी आपके जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं, सब में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। जैसे ये टमाटर के पौधे देखिए, मेरे अभी फ्रूटिंग स्टेज में आ रहे हैं, कुछ में अभी स्टार्टिंग में टमाटर लगने शुरू हो गए हैं और कुछ में ढेर सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इस टाइम पे इन पौधों को कैल्शियम की काफ़ी आवश्यकता है। कैल्शियम की कमी से जो रोग होते हैं, आप देखते होंगे अक्सर आपके जैसे फल लगे हुए हैं तो इनकी जो बॉटम एरिया होता है, यहाँ से ये खराब होने लगते हैं, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो कैल्शियम को हमें इनमें देना है, मिट्टी में कैसे देना है, वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा कि अंडे के छिलके से कैल्शियम कैसे निकालना है और कैसे अपने पौधों को देना है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों देखिए, जो अंडे के छिलके हैं हमारे, इनको हम 3 तरीके से अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। एक तो देखिए, जैसे ये हैं, इन्हें डायरेक्ट ही हम अपने पौधों में मिट्टी में दे दें, तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट देने से ये थोड़े हार्ड सेल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डिजॉल्व होने में, डीकम्पोस्ट होने में, तो करीब 4-5 महीने टाइम लग जाता है इनसे कैल्शियम निकलने में, हमारे पौधों को मिल पाने में। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, तब तक तो हमारे पौधे की फ्रूटिंग स्टेज ओवर हो जाती है। तो पहला तरीका तो ये है, आप इस तरह से भी दे सकते हो, इसे मिट्टी में मिला दे, आप एक तरह से इसकी मल्चिंग कर दो, मल्चिंग में भी काम आएगा और उससे जो कैल्शियम पानी डालेंगे तो कैल्शियम जो पानी के साथ रिस्क जाएगा वो पौधों को मिलेगा, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है। ये पहला तरीका है जिसे हम नहीं करेंगे। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको टुकड़े दिख रहे हैं, इनको बारीक हम कर लेंगे थोड़ा, इसे मैं दिखाऊं आपको कि ये मैंने एक पन्नी में इसे ले लिया है और इस पन्नी में लेके हम इसे थोड़ा किसी चीज़ की मदद से हल्के हल्के हाथों से ऐसे पीस लेंगे। आप चाहे तो किसी मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे बारीक कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर ये बारीक हो जाएंगे तो ये थोड़ी जल्दी डिजॉल्व होंगे, डीकम्पोस्ट होंगे। तो मैं इसे इस प्रकार से देखिए बारीक कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा बारीक हो जाए उतना ही अच्छा होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर इसका पाउडर बन जाए, मिक्सी में पीस लें तो वो बहुत ही बेहतर है। अगर मिक्सी में नहीं पीसना चाहते हैं, आप नहीं पीस रहे हैं, तो इस प्रकार से देखिए मैंने जैसे कर लिया है, आप भी इसको चूरा बना सकते हैं इसका, तो काफ़ी हद तक ये हो गया है। अब इसे हम मिट्टी में मिला देंगे, एक तरह से पाउडर फॉर्म में है, इसे हम मिट्टी में मिलाएंगे तो ये थोड़ी जल्दी डिकम्पोस्ट होगा और मिट्टी में कैल्शियम की कमी को पूरी करेगा। ये दूसरा तरीका हो गया इसे पाउडर के फॉर्म में यूज करना। अब जो तीसरा और सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, हम उसको अपनाएंगे और उसको अपनाने के लिए मैं आपको दिखाऊं, आपको ये बारीक एकदम अंडे का जो छिलका है, बारीक टुकड़ों में हमें कर लेना है या फिर पाउडर फॉर्म में कर लेना है उसको, और साथ में हम यूज करेंगे विनेगर। क्या है दोस्तों कि अंडे में जो है कैल्शियम कार्बाइड होता है, जो कि करीब 90% से ज़्यादा होता है, और कैल्शियम शुद्ध कैल्शियम की मात्रा की बात करें तो 40% से ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो हमें इसे कैल्शियम कार्बाइड से कैल्शियम में बदलना है, उसके लिए विनेगर हमारा काफ़ी उपयोगी होगा। तो कैसे करना है मैं आपको अभी इसका रिजल्ट, वीडियो के आखिरी में इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि इसको यूज करने के बाद हमारे पौधों में क्या फ़ायदा मिलता है, किस प्रकार की ग्रोथ और कैसी पौधे की जो फ्रूटिंग है वो बढ़ती है। तो मैं वीडियो के आखिर में बने रहिएगा, मैं आखिर में आपको दिखाऊंगा वो भी रिजल्ट भी इसका। तो देखिए ये हमने करीब, ये मैं आपको 2 टमाटर के पौधों के लिए या फिर 2 12 इंच के गमलों के लिए बता रहा हूँ, आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जितनी मात्रा में हमने अंडे का छिलका लिया हुआ है उतनी ही मात्रा में हम इसमें विनेगर को मिलाएंगे। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए इस प्रकार से हमने इसमें विनेगर मिला दिया है, और मिलाने के बाद हम इसे हल्के से चला देंगे। अब इसमें मैं आपको दिखाऊं कि देखिए काफी अच्छे से विनेगर इसमें अपनी क्रिया स्टार्ट कर दिया है और बुलबुले उठने शुरू हो गए हैं।
अंडा इसमें घुल रहा है। इसे हम करीब 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। काफ़ी अच्छे से विनेगर जो है इस अंडे की छिलकों के साथ घुल कर, और देखिए काफ़ी इसमें झाग सा बनना स्टार्ट हो गया है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस घोल से निकल जाएगा और इससे हमें सिर्फ कैल्शियम कैल्शियम मिल जाएगी लिक्विड के फॉर्म में। उसे हम अपने पौधों में डायरेक्ट यूज करेंगे। यूज कैसे करना है मैं यूज करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो दोस्तों पूरे 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊं इसका अपडेट। ये देखिए आप दिखाई दे रहा होगा कितना अच्छा इसमें ये झाग बन के सारा जो है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया है और सिर्फ कैल्शियम कैल्शियम हमें इस लिक्विड में मिल रहा है। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, इसमें हम मिलाएंगे करीब 1 लीटर के आसपास पानी इस सॉल्यूशन में, और इसे हम डायरेक्ट आप चाहें तो इसे छान के अंडे के छिलकों को अलग कर सकते हैं, पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो छिलके हैं उनको हम अपने गमलों में यूज कर लेंगे, वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलकर डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। तो आइए यूज करके देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टमाटर का पौधा है, आप इसमें देख सकते हैं फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, और जो बाकी पौधे एक में स्टार्ट हो गई है, दूसरों में बाकी में हमें सब में हमारी जो फ्लावरिंग है स्टार्ट हो चुकी है। तो जब भी आप कंपोस्टिंग यूज करें तो मिट्टी को पहले से हल्की नम रखें, उसके बाद ही ये लिक्विड कंपोस्ट यूज करें ताकि ये नीचे रूट्स तक टमाटर के पौधे के जा सके। तो ये देखिए हमने इसमें रूट के आसपास इस प्रकार से दे देनी है। मैंने आपको बताया था कि मैं इसे दो पौधों के हिसाब से बनाया हूँ, तो मैं इसे दूसरे पौधे में भी यूज कर लेता हूँ। देखिए दिखाई दिखा रहा हूँ मैं आपको, और जो अंडे के छिलके इसमें आपको दिख रहे हैं बचे हुए, इनको भी हम इसी में पौधे में ही यूज कर लेंगे। इसी गमले में हम इसे डाल देंगे और इनमें से आपको विनेगर की स्मेल आएगी, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो छिलके हैं ये विनेगर से अच्छे से वो हो गए हैं, इसमें से कैल्शियम निकल गया और जो बाकी बचा हुआ कैल्शियम इसमें वो भी इस पौधे में डिजॉल्व हो जाएगा मिट्टी के साथ, और हमारे पौधे की ग्रोथ आप रिजल्ट इसका मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा था ये देखिए ये मेरा मिर्च का पौधा है, आज ही हमने इसमें से मिर्च हार्वेस्ट करी है, तो आपको दिखाऊं मैं, देखिए कितनी सारी मिर्च लगी हुई है अभी भी, आज इसमें से मैंने ढेर सारी मिर्च हार्वेस्ट करी हुई है। और मैं आपको दिखाऊं कि मिर्च की साइज भी तो काफ़ी अच्छी साइज में ये देखिए मिर्च लग रही है। तो इस प्रकार अगर आप कैल्शियम अंडे के छिलकों को यूज करते हैं अपने गार्डन में, तो आपको काफ़ी ढेर सारी हार्वेस्टिंग अपने गमलों में मिलेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है। और अगर कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।